अकेले रहना इतना डेंजरस है, आपको जब इसके मजे की लत लग जाती है और आपको पता चलता है कि मैं तो यार सारा टाइम जो इधर उधर कुत्ती चीके में बर्बाद कर रहा था, वही टाइम अब मैं अपने आप पे फोकस कर सकता हूँ। उस चीज का जब जुबान को टेस्ट लगता है, आपकी दुनिया बदल जाती है। आप किसी की बुलशिट नहीं रहते, किसी को आप प्लीज करने के चक्कर में नहीं पड़ते, अपने आप से आपको मोहब्बत हो जाती है। अब सेल्फ लव है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने आप से प्यार करें, अपने आप को पैम्पर करें, केयर करें, अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को मोटिवेट करें। जब कोई चीज सोनी लग रही होती है, इमारत है कोई सोनी लग रही है, उस इमारत में जाने का दिल करेगा ना आपका, उसमें कम्युनिटी अच्छी होगी तो वो लोग जाएंगे ना, उधर जाके रहेंगे ना, रहना पसंद करेंगे, उसका रेट ज्यादा लगेगा। यही आपका हिसाब है। अगर आप अपने आप को केयर कर रहे हो, अपने आप को बिल्डअप कर रहे हो, अपने साथ ही इंस्ट्रूमेंट्स कर रहे हो, तो क्या होगा, इर्द गिर्द के जितने लोग हैं वो खुद ब खुद आपको लाइक करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को कचरा इमारत है, वो जो कचरा है इमारत को अपना आप ही पसंद नहीं, इमारत के अंदर इर्द गिर्द लोग भी गंदे, कोई बंदा उसको मुंह भी नहीं लगाएगा, देखेगा भी नहीं, रेट भी नहीं लगेगा, बिके भी नहीं, फ्री भी शायद कोई आके होमलेस ही आके उसके अंदर रहे, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह आपको अपने इमारत को कचरा नहीं बनाना, अपने आप को बेहतर करना है और सेल्फ लव करना है, अपने आप को पैम्पर करना है, मोटिवेट करना है, एजुकेट करना है, ताकि फिर ऑटोमेटिकली आपको फिर दुनिया की जरूरत नहीं होगी, लेकिन दुनिया फिर भी आपसे आके प्यार करेगी। आप दुनिया को प्लीज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी दुनिया आपको आके प्लीज करेगी। इसी तरह लोगों को अपना दिखावा करना छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं। कितना बुरा लगता है बंदा बैठा हुआ दूसरे को दिखावा कर रहा है, बहुत बुरा लगता है। मत दिखाएं, आपके पास कुछ है अपने पास रखें, खुद उसकी जो फीलिंग है, उसकी जो कम्फर्ट है, उसको आप इंजॉय करें। जब भी आप कोई चीज अर्न करें तो आपने आपको अप्रिशिएट करें कि हाँ मैंने अर्न किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोगों को आप दिखाते फिरें। आप किसी के साथ डील करें तो काइंडनेस के साथ डील करें, क्या फर्क पड़ता है किसी से अगर अच्छी जुबान में आपने बात कर ली है। लोगों की मिस्टेक जो करते हैं छोटी छोटी, हर बात पे रोकना टोकना जरूरी नहीं होता। तुम कोई दुनिया का ठेका नहीं लिया, तुहाडा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हर किसी की मिस्टेक पे आप उसको पकड़ो, और अपनी मिस्टेक पे आपको ज्यादा टॉर्चर भी मत किया करो, उसको देखो इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। सोल्यूशन के माइंड सेट के साथ देखोगे चीजें ठीक होती जाएंगी। अपनी पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द बाउंड्री क्रिएट करो, एक बाउंड्री आपकी होनी चाहिए जिसके अंदर आपका अलो होना चाहिए। जैसे देखो घर जाते हो, अगर उसके आगे दीवार ना हो तो हर कुत्ता बिल्ला आके मुंह मारता फिरेगा ना, तो क्यों बाउंड्री होती है, मेरी लिमिट है। स्कूल में जाते हो बाउंड्री होती है, सड़क की बाउंड्री होती है, हर चीज की बाउंड्री होती है, तो फिर आपकी बाउंड्री क्यों नहीं, आपकी भी बाउंड्री होनी चाहिए लाइफ की, आपकी टर्म्स होनी चाहिए जिनके साथ आपने लोगों के साथ डील करना है। कितना आपने अलो करना है लोगों को, कितना आपने अलो नहीं करना, डिसरिस्पेक्ट तो करने ही मत दो किसी को अपनी आप की। और अपना बहुत सा ख्याल रखें, कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। पांच ऐसी हैबिट्स जो आपको चाहिए वो क्या है? एक हैबिट ऐसी होनी चाहिए जो आपको पैसे बना के दे सके, एक हैबिट ऐसी होनी चाहिए जो आपको शेप में रख सके, एक हैबिट ऐसी होनी चाहिए जो आपको माइंडसेट को इवॉल्व कर सके, यानी आप ग्रो करें, आपका दिमागी तौर पे आपकी सोच वसी हो। फिर एक ऐसी हैबिट चाहिए जो आपको क्रिएटिव रख सके, कुछ ना कुछ तख्लीक करते रहें। और आखिर में एक ऐसी हैबिट चाहिए कि जो आपको नॉलेज बढ़ा सके, चाहे रीडिंग करें चाहे कुछ भी करें, अपनी अच्छी हैबिट्स बनाने के ऊपर काम करें। पांच ऐसी हैबिट्स जो आपको चाहिए वो क्या हैं? एक हैबिट ऐसी होनी चाहिए जो आपको पैसे बना के दे सके, एक हैबिट ऐसी होनी चाहिए जो आपको शेप में रख सके, एक हैबिट ऐसी होनी चाहिए जो आपको माइंडसेट को इवॉल्व कर सके, यानी आप ग्रो करें, आपका दिमागी तौर पे आपकी सोच वसी हो। फिर एक ऐसी हैबिट चाहिए जो आपको क्रिएटिव रख सके, कुछ ना कुछ तख्लीक करते रहें। और आखिर में एक ऐसी हैबिट चाहिए कि जो आपको नॉलेज बढ़ा सके, चाहे रीडिंग करें चाहे कुछ भी करें, अपनी अच्छी हैबिट्स बनाने के ऊपर काम करें।